तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है न्यू अदर एक ब्लॉग पे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ सैयद इमदाद, आप देखना स्टार्ट कर चुके हो सैयद इमदाद ब्लॉग। आज का जो ये वीडियो होने वाला है या जो ब्लॉग होने वाला है, बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि कल का जो ब्लॉग था, मैंने इस ब्लॉग में आप सबको दिखाया था कि देवबंद यूपी के अंदर जो दारुल उलूम रशीदिया जो मदरसा है ना, इस मदरसा का बारे में मैंने हर एक डिटेल से बताया और हर एक चीज़ आप सबको दिखाया था। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हजरत मेरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने अपने हाथ मुबारक से जिस रुमाल को यूज़ किया था, वही रुमाल आप सबको देखने में मिलेगा। एंड आप सबको जो दारुल उलूम जो देवबंद मदरसा है, इस मदरसा का जो लाइब्रेरी है, तो इस लाइब्रेरी में तौरात, जबूर, इंजील, कुरान, रामायण, महाभारत, हर एक चीज़, हर एक क्राइटेरिया का जो किताब है, जो बुक्स हैं, इन सारे बुक्स आप सबको दिखाने का मैं कोशिश करूँगा। चलो इसका वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो फ्रेंड्स, यही है हमारा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अपना हाथ मुबारक से यूज़ किया, वही रुमाल है। और दूसरा वाला वीडियो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ये बाइबल है, इंजील, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम से नज़िल हुआ था। और यह सबसे बड़ा वाला लाइब्रेरी है, और यहाँ पर भी देख सकते हो ना, बहुत सारे किताब रखा हुआ है। तो हमें पता नहीं कौन सा तौरात, कौन सा जबूर, कौन सा इंजील, कौन सा कुरान तो पता है। चलो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, किसी से हेल्प लेके। सबसे पहले लाइब्रेरी दिखा देते हैं, इतना बड़ा लाइब्रेरी है, बहुत सारे चीज़ों का मैप्स लगा हुआ है। या राजस्थान का मैप है, पूरा कंट्री का, हर एक स्टेट का शायद मैप्स है। ये क्या है? बाइबल है, यानी बाइबल है, इंजील, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम से नज़िल हुआ था। और इसका ये ट्रांसलेशन है, अरबी ट्रांसलेट है। और ये, और ये है जबूर, उर्दू ट्रांसलेशन, जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ था। अच्छा, और ये आप ये कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं? ये सब इसराइलियों का, यहूदियों का, जो अब नहीं रही, क्रिश्चियन। हाँ, नहीं रही, अब नहीं रही जी। ये तौरात है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी, मूसा अलैहिस्सलाम। तौरात पर अभी यहूदी अभी भी अमल करते हैं, लेकिन असल किताब अभी भी उनके पास बाकी नहीं रही। तौरात जो उसमें नाज़िल हुई थी, अभी इस पर इंजील पर ईसाई अमल करते हैं, लेकिन ट्रांसलेट पर ये तौरात है। और ये पढ़ो ना, क्या लिखा है? सब आते हैं पूरे कुरान मजीद की तफसीर में, कोई हर्फ नुक्ते वाला नहीं लाया गया। अच्छा, बिना नुक्ते वाला तो है कुरान, तो कुरान तो पता है। अच्छा, वो यहाँ पर सुना था कोई हाथ, अपने हाथ से लेकर था कुरान, ऐसा कोई मजिल है ना? बताइए। ये हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत औरंगजेब यानी मुगल सम्राट, मुगल सम्राट। हाँ, इसने हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ कुरान है हाथ से, इसे इन्होंने खुद लिखा था, ये खुद लिखा था औरंगजेब ने। देखिए, नहायत खुशखत जदवल जी, क्या है ये इधर, ये पारा खुद आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह कलम का लिखा हुआ है जी, ये हाथ से लिखा हुआ है, हाथ से, उनके कलम से। ये वाला से पूरा कुरान शरीफ लिख लिया, ये पारा है सिर्फ, और एक पारा लेगा पूरा कुरान शरीफ नहीं, वो पता नहीं है क्योंकि है नहीं ना। अच्छा, ये उनके हाथ का लिखा हुआ हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का, औरंगजेब वाला। अरे ये क्या है? ये बड़ा वाला कुछ लिखा भी नहीं है, और उस साइड में वहाँ पर ऐसा लगता है किसी ने हाथ से लिखा हो, ऐसा लगता है। ये भी हाथ से लिखा हुआ, ये किसने लिखा? बड़ी तख्ती पर ये कुरान शरीफ फारसी तर्जुमे के साथ, नहायत शानदार है पूरा कुरान मजीद, जली कलम से मैंने
और खुशखत है, जली कलम है मतलब बड़े कलम से जी, तर्जुमा बारीक कलम से है, तर्जुमा किसका है पता नहीं, और उसका नाम मेंशन नहीं है, उसका पता है 984 हिजरी में लिखा गया है। अच्छा, मतलब ये कि आपने हाथ से लिखा हुआ है, और कुरान मजीद है उसका पास तर्जुमा भी है ना, साथ में तर्जुमा 984 हिजरी में लिखा गया, मतलब ये कुछ 500 साल पुराना है, 500 साल साथ में तर्जुमा भी है ना, एक्सप्लेन किया गया है मीनिंग जी, ठीक है, मतलब क्या होता है, बुखारात की लिखी हुई पूरा फन्नत इसके अंदर समोया है, बुखारात 365 कबल मसीह यानी हजरत ईसा अलैहि सलाम से भी 300 साल पहले अच्छा पैदा हुए थे, ये फुसूल बकरात बहुत मशहूर है, पूरा फन तिब यानी डॉक्टर्स का जो फन है ये, और मतलब मेडिकल के लिए जो भी चीज़ ये लेकर हुआ है पूरा समोया है, इसकी शरह अबुल कासिम अब्दुल रहमान बिन अली बिन अबी सादिक नेसापुरी 470 हिजरी ने लिखी है, ये भी सेम एग्जैक्टली वही चीज है ना, और मेडिसिन के लिए मतलब मेडिकल के लिए लिखा है, पुराने जो हकीम थे ना उनके कानून है भाई, उनके रूल से मैं वीडियो कर रहा हूँ, पहले से बताऊँ ये क्या है, ये यजुर्वेद है, यजुर्वेद है, यजुर्वेद संस्कृत में, संस्कृत लिखा हुआ है, और ये वाला ये ऋग्वेद संस्कृत में, संस्कृत, और ये रामायण, ये रामायण है, तुलसीदास रामायण उर्दू में लिखा है, ओरिजिनल जो रामायण है कौन सा लैंग्वेज में लिखा है, संस्कृत में हुआ, श्योर नहीं बट अभी ये तो उर्दू है, अच्छा रामायण, और ये महाभारत नहीं है, ये मनुस्मृति है, बजाबान हिंदी, हिंदी में ये मनुस्मृति है, ये ऋग्वेद बजाबान है उर्दू, ये ऋग्वेद है, ये ऋग्वेद है, ऋग्वेद है, अच्छा हर तरीका का यहाँ पर बुक है ना, बहुत पुरानी पुरानी बुक है, पुराने पुराने हिस्ट्री के आसपास कौन सा है, ये सारे, ये सब पुराना, बहुत साल पुराने, 30 पारा है, पूरा 30 पारा है, इतना छोटा कुरान है, देखिए ये देखिए यहाँ इतना छोटा कुरान है भाई, और भी है ना सारे, बहुत छोटा है, ये कुरान पूरा 31 पेज पे है ना, 31 पेज, 31 पेज में पूरा कुरान लिखा हुआ है, ये ब्लू कलर वाला है, ये वाला कितना छोटा छोटा है, बहुत सारे हजारों यहाँ पर कुरान है, हिस्टोरिकल बुक है, क्या सिर्फ दो वर्कों में, दो पेज में पूरा कुरान लिखा हुआ है, ये जो कुरान है ना ये पूरा दो पेज में पूरा कुरान लिखा हुआ है, मुकम्मल कुरान इसके अंदर भी है, मतलब मुकम्मल कुरान है पूरा, ये वीडियो में नहीं है, ये जो कुरान है ये मुकम्मल कुरान है, मतलब दो पेज में पूरा कुरान लिखा हुआ है, दो पेज, वन पेज टू पेज, दो पेज में लिखा हुआ है, कुछ नजर ही नहीं आ रहा, ये क्या है बताइए ना, अभी वीडियो में समझ नहीं आ रहा, हजरत अबू बकर का हाथ लिखा हुआ है, हजरत अबू बकर ने अपने हाथ से लिखा था ये वाला, इसका वो है फोटो, फोटो है, तो उस टाइम तो कैमरा नहीं था, उस टाइम तो कैमरा नहीं था, बाद में तो, बाद में था। अच्छा जब वो आता तब आके छिपा दिया ना, ये जो है ना वो ये असली नहीं है, अच्छा फोटोकॉपी निकाली हुई है, अच्छा समझ में आया, उसकी जेरोक्स निकाली हुई है, इस तरह लिखा हुआ है, अच्छा वो असली नहीं है, फोटो इस तरह लिखा हुआ है करके ऐसे गैप गैप, तो भाई ये फैन देखो ना कितना पुराना वाला फैन है, और बाकी किताब तो है अभी हमने देखा लिया, जो भी कुछ पॉसिबल हो सका, और इतना अच्छा सा वीडियो अलाउ भी नहीं है यहाँ पर, चलो अभी बाहर चलते हैं, पानी लेके घर चलते हैं, तो फ्रेंड्स जितना भी पॉसिबल हो सका हमने देखा दिया।
जो मैं दस का वीडियो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक चाहिए और अपना दोस्तों का साथ शेयर करो, क्योंकि नबी जी का जो रुमाल मुबारक था ये भी है और बहुत सारे किताब देखाया और बहुत सारे मतलब अच्छा खासा चीज़ देखाया, इसलिए वीडियो को शेयर करना ज़रूरी है। चल इसके वीडियो यहाँ पर एंड होते हैं और हम जा रहे हैं दिल्ली, और दिल्ली वाला ब्लॉग बहुत जल्दी आप सबको मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ जाके हम क्या करेंगे, जो लाल किला है, जो इंडिया के बहुत सारे चीज़ है दिल्ली में पार्क के, यहाँ का ब्लॉग बहुत जल्दी मिल जाएगा। चलो आज का वीडियो यहाँ पर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।